शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 12th क्वेश्चन इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज ऑफ द 12th क्वेश्चन द 12th क्वेश्चन इज की कोप इज फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू कोप इज फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू कोप जो होता है वो गेटिंग गेटिंग जो एलिमेंट्स लगाए गए हैं जहां पे आपका कास्टिंग होती है तो उसमें एक आपका कंपोनेंट है वो ठीक है कोप इज अ कंपोनेंट इन ऑल ऑफ दीस थिंग्स तो कोप में ऐसा क्या खास है जो कोप को बनाता है मतलब इन सारे ऑप्शंस में ऑप्शन ए बॉटम हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स ऑप्शन बी टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स ऑप्शन सी मिडिल पोर्शन ऑफ मोल्डिंग बॉक्स ऑप्शन डी कोटिंग ऑन मोल्ड सरफेस। ओके सो देखिए कोप जो होता है कोप और ट्रैक जो दो पार्ट्स होते हैं जो आपके कास्टिंग को बनाते हैं मतलब गेटिंग एलिमेंट्स में आपकी कास्टिंग को लगाते हैं तो कोप जो होता है उसमें कोप उसमें होता है आपका टॉप पार्ट टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स होता है कोप है ना तो ये जो बहुत ही कम टाइम रहता है आपके पास पेपर में ओनली 35 to 36 seconds रहते हैं आपके पास 35 seconds सो आपको बहुत जल्दी जल्दी जो है करना पड़ता है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो रिफर कर रहा है वो कह रहा है कि व्हाट इज श्रिंकेज अलाउंस श्रिंकेज अलाउंस श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय ऑप्शन ए एडिंग टू एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशंस ऑप्शन बी सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन ऑप्शन सी सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशंस एंड एडिंग टू इंटरनल डायमेंशन ऑप्शन डी एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। तो श्रिंकेज अलाउंस का मतलब क्या होता है देखिए हमारे जो पैटर्न और कास्टिंग होती है दोनों में किसी ना किसी तरह का अलाउंस दिया रहता है जैसे अलाउंस का ये मतलब रहता है कि भैया आपका जो है जब कास्टिंग हो जाए तो पैटर्न से अलग करके आप मोल्ड अपना आराम से निकाल सको है ना कास्टेड जो आपकी है मोल्ड उसको आप निकाल सको बोलते हैं जब कास्टिंग कंप्लीट हो जाए तो पैटर्न अलाउंस इसमें क्या दिया गया ऑप्शन ए भी देख लीजिए थोड़ा सा सही लग रहा है क्यों क्योंकि इसमें श्रिंकेज अलाउंस आपका दोनों जगह दिया हुआ है एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन यानी ये जो है दोनों चीजों से लेकर रिलेटेड है एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन श्रिंकेज तो दोनों की ही होगी है ना अंदर से भी श्रिंकेज होगी और बाहर से भी श्रिंकेज होगी है ना तो इसलिए श्रिंकेज अलाउंस जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो एडिंग टू पर आपका ऑप्शन बी देखिए सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल डायमेंशन ऐसा नहीं हो सकता नो नो सबट्रैक्शन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कहीं एडिशन ही है अलाउंस में है ना सबट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन एंड एडिंग टू इंटरनल नहीं बिल्कुल एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन नहीं बिल्कुल नहीं तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है और इसलिए क्वेश्चन जो है आपका अच्छा खासा कभी भी रिपीट हो सकता है 2010 में पूछा गया ठीक है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीयर्स आपका कास्टिंग में एक तरह का डिफेक्ट है जब आप कास्टिंग करते हैं तो उसमें वहां पे एक तरह का डिफेक्ट जो आता है उसे कहते हैं हॉट टीयर्स तो हॉट टीयर्स आर रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर परमीएबिलिटी मतलब कम छिद्रता मतलब आप हिंदी में ये समझिए लोअर परमीएबिलिटी लो ग्रीन स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू मतलब किस तरह से वो अपने आप को जोड़ के रख सके आप उसमें ठीक है ऑप्शन सी मोरफिन्स मोरफिन से ये होगा कि आपका जो है हीट लॉस बहुत तेजी से होगा बहुत ज्यादा तेजी से हीट लॉस होगा पर मोर ऑफ हीट डिसिपेशन प्रोसेस फिन से ऑप्शन डी रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्स्ट्रैक्शन मतलब उसको सिकुड़ने में अगर किसी तरह का रुकाव बाधा में की वजह से आता है हॉट टीयर्स तो इन सब ऑप्शंस में हॉट टीयर्स आर मोस्टली रिलेटेड टू द कास्टिंग डिफेक्ट्स है ना तो कास्टिंग डिफेक्ट्स में ये लोअर परमिएबिलिटी है लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ है लोअर परमिएबिलिटी लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ दैट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज है ना पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन है पर इसमें जो आएगा वो ऑप्शन है वो रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर आप सिकुड़ने से उसको रोक देते हैं है ना किसी तरह से कोई पैटर्न अलाउंस वगैरह ऐसे देखे है ना तो इस केस में जो है आपका रिस्ट्रेंट जो होता है
वो लग जाएगा आपका, है ना, रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो दैट इज अ रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है डी ऑप्शन है, दैट इज रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अब देखिए, अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल. फाउंड्री में इस्तेमाल करे जाने वाला कौन सा टूल नहीं है. नॉट अ फाउंड्री टूल. फाउंड्री में इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है ऑप्शन ए रिडल, ऑप्शन बी आर्बर, ऑप्शन सी स्लिक, ऑप्शन थ्री ट्रावल. तो इसमें आपने देखा होगा फाउंड्री में आपको रिडल मिल जाता है जिसे आप उठाते हो, है ना, लंबी सी छड़ होती है, ठीक है. स्लिप भी उसमें आगे का आपको देखा होगा कि उसमें थोड़ा सा आगे कर्व करके बेंड किया रहता है ना, उसे पकड़ के उठाने के लिए. ट्रोवेल भी आप देखेंगे एक तरह का ऐसा कैरिंग समथिंग, नाम अलग अलग है पर आपने हिंदी में देखा होगा जरूर समझ जाएंगे, मतलब आपको हिंदी में उसके नाम पता होंगे, है ना. तो ये एक चीज इसमें है, वो है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है इसमें आपका ये फाउंड्री टूल नहीं है, है ना. ये आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आप वहां पाएंगे ये जो है फाउंड्री टूल नहीं है, है ना. तो ये दैट इज नॉट अ फाउंड्री टूल आर्बर. ओके, आर्बर इज नॉट अ फाउंड्री टूल, ठीक है. फिर अब हम लोग देखते हैं 16th question है. The vertical passage from bringing molten metal to mold cavity. Vertical passage यानी वो gating element आपसे पूछ रहे हैं एक तरह से. Vertical passage for bringing molten metal टू मोल्ड कैविटी. उस वर्टिकल पैसेज का नाम क्या है. ऑप्शन ए राइजर, ऑप्शन बी स्प्रू, ऑप्शन सी रनर, ऑप्शन डी गेट. सो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो, वो है आपका ऑप्शन बी. मोस्ट प्रॉबली आंसर ये लग रहा है क्योंकि ऑप्शन बी आपका स्क्रू जो होता है, स्क्रू से ही आपकी जो है स्क्रू से ही जो है आपकी जो भी मोल्टन मेटल होता है वो नीचे आता है स्क्रू. स्क्रू के बाद वो आपका रनर में जाते हुए, ये जो गेटिंग एलिमेंट है रनर में जाते हुए फिर राइजर से थोड़ा सा और उसमें कंपनसेट किया जाता है. तो इट्स द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्क्रू. ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द स्क्रू. ओके, now the 17th question. The process of pouring molten metal in the cavity of a metallic mould. Metallic mould में molten metal को metallic mould की cavity में gravity से अगर flow करे तो वो क्या कहलाएगा. परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ऑप्शन बी प्रेस्ड कास्टिंग, ऑप्शन सी शेल मोल्डिंग, ऑप्शन डी डाई कास्टिंग. तो देखिए इसमें मुख्यतः ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी कास्टिंग प्रोसेस है जहां पे ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है. तो डाई कास्टिंग, शेल मोल्डिंग और प्रेस्ड कास्टिंग में ग्रेविटी का इस्तेमाल होता ज्यादा नहीं होता है. एक और एक जहां पे आप परमानेंट मोल्ड बना रहे होते हैं, परमानेंट मोल्ड को कास्टिंग कर रहे होते हैं, वहीं पे जो है आपका ग्रेविटी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, है ना. तो ऑप्शन ए, इट्स ऑप्शन ए 17 का, दैट इज द परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. नाउ हम 18th क्वेश्चन पे आते हैं. 18th क्वेश्चन कहता है कपोला इज काइंड ऑफ अ फर्नेस, राइट. कपोला इज काइंड ऑफ अ फर्नेस. सो कपोला इज बेस्ट सूटेड किसके लिए. कपोला जो है सबसे ज्यादा सूटेड है. अगर आपने ये पढ़ा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी अच्छे से तो आपको ये बात समझ में आएगी, है ना. क्वेश्चन में कपोला किसके लिए सबसे ज्यादा सूटेड. ऑप्शन ए नॉन फेरस मटेरियल्स, ऑप्शन ए नॉन फेरस मेटल्स, ओके, ऑप्शन बी एल्युमिनियम अलॉयज, ऑप्शन सी अलॉयज ऑफ कॉपर एंड ऑप्शन डी फेरस मेटल्स. तो आपका जो कपोला है आपको सही से याद होगा, इट्स मोस्ट रिलेटेड टू द कास्टिंग और मेल्टिंग ऑफ फेरस मेटल्स,
फेरस मेटल्स की ही फर्नेस है वो, है ना. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी काइंड ऑफ गुड काइंड ऑफ अ थिंग. कपूला इज बेस्ट सूटेड फॉर फेरस मेटल्स. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द सेकंड रो. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज परमियाबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड. परमियाबिलिटी क्या कहलाती है? परमियाबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड इज, मतलब इसकी डेफिनेशन हमसे पूछी गई है, व्हाट इज परमियाबिलिटी ऑफ अ फाउंड्री सैंड. ए पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस एयर, मतलब परमियाबिलिटी जिससे कि गैसेस जो है एस्केप कर सकें. बी फाइननेस ऑफ सैंड, सैंड की आपकी महीनता. या सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर इन सैंड, जो सैंड को जोड़ने वाले एलिमेंट्स है उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता. या ऑप्शन डी कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, या फिर आपका ऑप्शन डी ये कहता है कि मतलब मॉइस्चर यानी आर्द्रता को अपने में सोखने की कितनी ज़्यादा उसमें क्षमता है. तो फाउंड्री सैंड का जो मोस्ट प्रोबेबल परमिएबिलिटी की डेफिनेशन है विच इज ऑप्शन ए, दैट इज द पोरोसिटी टू एस्केप द पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस इन एयर. So it's the definition of permeability of molding foundry sand. Permeability is किसकी सबसे खराब होती है, poor किसकी होती है सबसे ज़्यादा permeability? A fine grains, B medium grains, C coarse grains, D rounded grains. तो इसमें जो आपका most option है, मतलब fine grains अगर आपके होंगे तो वो आपकी जो कास्टिंग होगी वो चिपक चिपक के मतलब अच्छे से लगी होगी, मतलब जो आपका जो जैसा मोल्ड बना रहे हो वो आपके जो कास्टिंग एलिमेंट्स है मतलब जो मैट्रिक्स है जिसे बाइंड करती है, जो मेटल की मैट्रिक्स है या फिर आप जिसकी जो भी बाइंडर की मैट्रिक्स है या फिर जो भी आपका एलिमेंट है जैसे सैंड है उसकी मैट्रिक्स है, तो वो जब फाइन ग्रेन्स की आपकी बनेगी तो उसमें हवा पास होने की सबसे कम चांसेस होंगे, क्योंकि उसमें देखिए एक तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है फाइन ग्रेन्स में. पर मीडियम ग्रेन्स या कोर्स ग्रेन्स या राउंडेड ग्रेन्स में रहता है थोड़े बड़े आकार होंगे, थोड़ा सा उसमें जो है पास होने के लिए जो है ज़्यादा मतलब थोड़े बहुत उसमें जो है स्पेसेस छूट जाते हैं, इसकी वजह से उसमें क्या होगा परमेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी. तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का है वो है आपका फाइन ग्रेन्स इसका ऑप्शन है. अब क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 है मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर ए स्मॉल कास्टिंग, बी लार्ज कास्टिंग, सी प्रेसाइज एंड इंटरकेस्ट कास्टिंग, डी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग्स. मेटल पैटर्न का कहाँ इस्तेमाल होता है कास्टिंग में मेटल पैटर्न्स का आपका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है. अब ये हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो देखिए मेटल पैटर्न्स का इस्तेमाल वहीं पे होगा, मतलब पैटर्न देखिए कोई पहली बात तो पैटर्न को परमानेंट रखता नहीं है, ठीक है. अगर पैटर्न मतलब पैटर्न इसलिए परमानेंट नहीं रखता है क्योंकि भाई पैटर्न से हमें क्या लेना देना, पैटर्न इज नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट, पैटर्न इज नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है. कोई लेना देना नहीं है तो पैटर्न में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है. पर अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ पे आपको जो है सेम प्रोडक्ट बार बार नहीं बनाना होगा, ठीक है. आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, आप छोटे मतलब लो स्मॉल स्केल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप पैटर्न को जो है ज़्यादा नहीं बनाने की कोशिश करोगे. तो पर अगर आप मान लीजिए बार बार वही चीज़ बना रहे हैं और आप लास्ट स्केल पे चीज़ें कर रहे हैं तो फिर यही जो है मेटल पैटर्न को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो इसका जो मोस्ट प्रॉब्लम ऑप्शन आता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग्स. ओके, नाउ द बाइंडर, व्हाट इज द बाइंडर? बाइंडर इज समथिंग दैट होल्ड्स द मोल्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट्स इन प्लेस, मतलब एक साथ जो है लोगों को जो है जोड़ के रखे. जैसे बाइंडर इज आपके लिए अपने एग्जांपल में देखा होगा फेविकोल इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ बाइंडर, ठीक है. बाइंड करता है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स को भी जोड़ दे देता है ना. एडहेसिव्स के होते हैं, जैसे आपका जो घर पे आप जो है पुताई करते हैं तो उसमें भी उस केस में भी ये नजर आता है. तो बाइंडर इज अ केस, बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज फॉर मोल्डिंग. बाइंडर जब सिंथेटिक सैंड को जोड़ने के लिए तो कौन से बाइंडर का इस्तेमाल होता है? बाइंडर
इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज ऑप्शन ए क्ले, ऑप्शन बी मोलेसेस, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी बेंटोनाइट एंड वाटर। ठीक है, तो बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक इज सैंड जो होता है, ये थोड़ा याद करने वाली चीज है, दैट इज ऑप्शन डी बेंटोनाइट एंड वाटर। ये आपने पढ़ा होगा तो आप ये है याद कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, ये जो है पढ़ने के बाद ही कर पाने वाला सवाल है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रैक्टिस प्रश्न था, बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड इज यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज बेंटोनाइट एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। किस तरह की प्रॉपर्टीज को जो है शेप एंड साइज सैंड ग्रेन का किस तरह की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए एडहेसिवनेस, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टरीनेस, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। तो इस केस में द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इस केस में जो सैंड ग्रेन को अफेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी है वो है पोरोसिटी। शेप एंड साइज को जो अफेक्ट कर सकती है वो पोरोसिटी है ना। अगर ज्यादा बड़ा सैंड ग्रेन्स होंगे तो कम पोरस होगा, मतलब ज्यादा पोरस होगा, और अगर कम फाइन ग्रेन्स हुए तो जो है आपका पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि हमने जो है लास्ट क्वेश्चन में जो है डिस्कस किया मोर अबाउट द परमेबिलिटी है ना ऑफ द फाइन ग्रेन्स 20th का ये पार्ट। तो क्वेश्चन देख लीजिए आपका एक आधा बार एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, मतलब दे आर मोर ऑफ रिलेटेड इन अ वे है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि भैया जो शेप एंड साइज है वो अफेक्ट करता है पोरोसिटी को, स्ट्रेंथ को नहीं कर सकता अफेक्ट शेप एंड साइज ऑफ ग्रेन सैंड ग्रेन्स। रिफ्रैक्टरीनेस मतलब वो हीट टॉलरेबल लिमिट वो बात होती है, और एडहेसिवनेस आपकी जो है किसी चीज को जोड़ने की क्षमता होती है। तो ये दोनों जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एडहेसिवनेस और रिफ्रैक्टरीनेस। तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द शेप एंड साइज से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, स्ट्रेंथ भी जो है आपकी देख लीजिए जो यंग मॉडल्स होता है वो हर मेटल का यूनिक होता है, मतलब हर अलग अलग एलिमेंट का यूनिक होता है। That is not dependent on shape and size of anything. So shape and size of sand grains जो है वो आपकी porosity को affect करेगी। ठीक है, cereals are added to molding sand to improve the following. cereals देख लीजिए आपने बहुत सारे देखे होंगे cereals, जैसे example हो गया cereals आपके millets, grains है ना, ये सारी जो आप खेतों में उगाते हो फल सब्जियां जो अपने खाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम से मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि सीरियल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड में सीरियल्स को किस लिए ऐड किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पोरोसिटी, पोरोसिटी इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी ग्रीन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी हॉट स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी एज हार्डनेस के लिए। इसमें पोरोसिटी जो हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो पोरोसिटी जो है वो शेप एंड साइज को जो अफेक्ट कर रही है। तो उसमें भाई आप शेप एंड साइज में कोई फर्क ये नहीं डालने वाला, ये कहीं ना कहीं जो है मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ पे जो है असर डालने वाला है। ठीक है, ये जो है मेटल की जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पे जो है असर डालने वाला है। तो इसमें हॉट स्ट्रेंथ होगा या एज स्ट्रेंथ होगा, तो देखिए अब सीरियल्स आप डाल रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप डाल रहे हैं, या फिर ये एक तरह से देखा जाए तो आपकी ग्रीन स्ट्रेंथ को असर करता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाने के लिए एक तरह से कंपोजिट बनाने की कोशिश की जाती है, मेटल मैट्रिक्स फाइबर मतलब आपका बनाने की ये वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करके। तो इसमें जो है आपका ग्रीन स्ट्रेंथ जो है, ग्रीन स्ट्रेंथ आपकी जो है मेटल की वो इंप्रूव होगी। ओके, सो वी विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर द होल ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड। ओके, फर्स्ट ये जो इसका ऑप्शन है वो ये है, क्वेश्चन ऑप्शन ये है बी पार्ट, दैट इज ग्रीन स्ट्रेंथ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, प्लास्टिक टॉयज जो है किन चीजों का इस्तेमाल करके बनते हैं। ऑप्शन ए शेल मोल्डिंग, ऑप्शन बी ग्रीन सैंड मोल्डिंग, ऑप्शन सी प्लास्टर मोल्डिंग, या ऑप्शन डी इंजेक्शन मोल्डिंग। तो आपने आप देखिए यहाँ पे जो शेल मोल्डिंग या देखिए प्लास्टिक जो होते हैं बहुत, प्लास्टिक टॉयज जो होते हैं बहुत अलग अलग और बहुत खूबसूरत शेप्स में आते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मोड होते हैं उसमें। उसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो है नॉर्मल मोल्डिंग मोड्स से उसमें काम नहीं चलने वाला, इन शेल मोड्स में आपकी मैया नीचे से ऊपर लगा के जोड़ दिया वो सब नहीं काम चलने वाला। उसके लिए आपका प्रॉपर उसका जो है मोल्ड तैयार करना पड़ेगा, एक डाई के साथ जोड़ के एक अच्छा सा मोल्ड तैयार करना पड़ेगा जो एक यूनिक हो अपने आप में। ठीक है,
तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ जो है आपका इंजेक्शन मोल्डिंग से हो सकता है, इंजेक्शन मोल्डिंग से, जिसमें आप जो है प्रॉपर शेप देते हैं, उसके बाद आप जो है चीज को तैयार करते हैं, तो दैट इज मोर रिलेटेड टू इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, प्लास्टिक टॉयज आर जनरली यूज फॉर जनरली प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग। अब ऑप्शन डी देख लीजिए, टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश, टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग्स की सर्फेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए हम किस एडिटिव का इस्तेमाल करते हैं, द फॉलोइंग एडिटिव इज यूज मोल्डिंग सैंड कास्टिंग्स की सर्फेस फिनिश को बढ़ाने के लिए। उसका ऑप्शन पहला दिया हुआ है ए रेजिंस, या फिर ऑयल्स, या फिर वुड फ्लोर, या फिर तो देखिए दिस इज ऑल्सो मोर ऑफ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मोर ऑफ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें जो आपको सीधा सीधा बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो है आपका रीजन। ठीक है, इसका जो आपका ऑप्शन का जो आंसर है वो है आपका रीजन। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इस सवाल को ध्यान में रखना होगा कि भैया ये फैक्ट बेस्ड सवाल है। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो आप बताइए अभी सेशन से। ठीक है, मोर देन हैप्पी एंड वेलकम टू नॉट, वेलकम ऑल द डाउट्स। ओके।